वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के हक में बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर इसकी व्यवस्था करे। ये तहखाना मस्जिद के भीतर है। हिंदू पक्ष ने 30 साल बाद इंसाफ होने की बात कही है। यहाँ पर साल 1993 तक पूजा होती रही है। ये याचिका शैलेंद्र पाठक ने दायर की थी। इसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि साल 1993 में यूपी सरकार ने यहाँ पूजा पाठ को रुकवा दिया था। नवंबर 1993 से पहले यहाँ पूजा पाठ होती रही थी। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि यहाँ फिर से पूजा अर्चना शुरू करवाया जाए। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। ज्ञानवापी मामले में कई केस एक साथ चल रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 1669 में हुई थी। हिंदू पक्ष का दावा था कि साल 1669 में औरंगजेब के कहने पर यहां शिव मंदिर का ढहा दिया गया था। इसकी जगह यहां पर मस्जिद बनाई गई थी। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए हिंदू पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ज्ञानवापी से जुड़े वजूखाने में सवे के मसले पर आज यानी बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई थी। एसआई ने यहां सवे की मांग की थी। इस मांग को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जानकारी अच्छी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।